You see? नमस्कार, शुभ प्रभातम। मैं प्रकृति नीरज जैन, सिविल जज राजकोट, आप सभी महानुभावों का तहे दिल से आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, यह गाथा है गौरव की, यह गाथा है परमार्थ की। गुजरात उच्च न्यायालय अब वह वट वृक्ष बन चुका है जिसके फलों का लाभ समाज के हर भाग को प्राप्त हो रहा है, जो न्याय का वहन करने के लिए सदैव तत्पर है। We are here on this virtual gathering on the momentous occasion of release of commemorative stamp of Gujarat High Court on the completion of 60 years. Today, we are privileged to have Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi amongst other dignitaries, renowned personalities and legal luminaries. Our spiritual wisdom is our strength. In our deepest, darkest moments, what gets us through is prayer, as Almighty intervenes in a supernatural way. Stronger the spiritual wealth, stronger will become our all forms of wealth. I hereby request Shri Amar Bhatt for the invocation of the Almighty's blessings with the help of prayer. Shri Amar Bhatt. स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्गस्थिति प्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं येनु दीनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्म संचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिं महीशः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु भवतु सब मंगलम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भट्ट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद डिविनिटी ऑफ द प्रेयर। तुलसी इस संसार में पांच रतन है सार, सज्जन संगति हरि भजन दया दान उपकार। इन पांच रतन को जो अगर कोई धनी है वह हमारे गुजरात के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ साहब हम सब के बीच यहाँ उपस्थित है और उनके तेजोमय प्रकाश से केवल यहाँ सपा ही नहीं किंतु गुजरात का समस्त न्यायतंत्र जगमगा रहा है।
मैं उन्हें विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ साहब। भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, न्याय एवं कानून मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री एम आर शाह जी, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, विद्वान महाधिवक्ता श्री कमल त्रिवेदी जी एवं इस सभा में उपस्थित समस्त गणमान्य जनों, महानुभावों, देवियों एवं सज्जनों को प्रणाम। हम गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम सब यहाँ गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के पावन उपलक्ष की स्मृति पर डाक टिकट के विमोचन हेतु एकत्रित हुए हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना के साथ हुई थी। इस 6 दशक की आभामय न्याय यात्रा में स्वस्थ, त्वरित, अर्थपूर्ण और अनुशासित न्याय प्रदान करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने आदर्श मानक स्थापित किए हैं। समाज, राष्ट्र और समूची मानवता की बेहतरी के लिए अपनी विधिक, नैतिक और व्यवहारिक प्रदत्त सीमाओं का अनुपालन करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय अपने संवैधानिक दायित्वों के सफल निर्वहन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उसी गौरवमय संस्था के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हमने विस्तृत 3 दिवसीय कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिसमें कि एक स्मृति के रूप में डाक चिन्ह जारी करने का विचार था, परंतु कोविड महामारी के कारण यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सका और एक अलग प्रकार की व्यवस्था के साथ न्याय प्रक्रिया को जारी रखा गया। इन पूरे 10 महीनों में गुजरात उच्च न्यायालय, उसके समस्त न्यायमूर्तिगण, निबंधन कार्यालय, अधिवक्तागण और अन्य सभी सहभागीदारों ने सफलतापूर्वक बिना एक दिन भी कार्य को प्रभावित किए निरंतर न्याय व्यवस्था को जारी रखा। आज वह अवसर मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा डाक चिन्ह हेतु गठित की गई समिति के प्रयासों से जारी किया जा रहा है। आज न्याय का यह मंच है और गुजरात का संदर्भ, तो मैं न्याय निष्ठा के एक बेहद अनुसरणीय उदाहरण स्वरूप हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री मोदी जी की लोकप्रियता में अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी मूलभूत न्याय निष्ठा की बड़ी अहम भूमिका रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा निभाते हुए पूरे विश्व की सुरक्षा का संकल्प चरितार्थ किया है। यदि नेतृत्व इस प्रकार न्यायवान हो तो फिर दल के सदस्यों की समान प्रतिभाओं की प्रेरणा की शक्ति सदैव मिलती रहती है। इस संदर्भ के केंद्र बिंदु हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कि प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और अपने विषय के गहन मर्मज्ञ हैं। जो उनके निकट हैं उनके लिए भी और उनकी जनसेवा और सार्वजनिक जीवन के माध्यमों से आज पूरे देश के लिए भी हमारे मध्य सर्वांगीण विकास के पथ पर सतत गतिशील प्रांत गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी भी उपस्थित हैं। आप मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात प्रदेश का गौरवपूर्ण नेतृत्व कर रहे हैं। गुजरात का संदर्भ और न्याय का विषय एक और ओजस्वी उल्लेख के अभाव में अपूर्ण रह जाएगा। यह उल्लेख है हम सबके प्रिय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री मुकेश कुमार रसिक भाई शाह का। न्यायमूर्ति शाह की प्रारंभिक कर्मभूमि गुजरात ही रही है और न्याय की व्यापक परिधि में उनके कार्यक्षेत्र विविध रहे हैं। हम सदैव उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मनोकामना है। इस हीरक अवसर को चित्रित करता डाक टिकट न सिर्फ इस अवसर के लिए अपितु एक अन्य संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जो कि डाक टिकट संग्रह के प्रति अभिरुचि है। कभी हमारी भी रुचि इस अभिरुचि में रही है। यह अभिरुचि अब मात्र डाक टिकट संग्रह तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह स्वयं फिलैटली अथवा डाक शास्त्र के नाम से प्रचलित हो गई है। न्याय तंत्र से जुड़े हम लोग न्याय निष्ठा के पात्र और पालक हैं और इसी की सिद्धि के लिए सदा सार्थकता से तत्पर रहते हैं और भविष्य में भी न्याय के माध्यम से सत्यान्वेषण के अपने प्रयासों में ऐसे ही तत्पर रहेंगे, ऐसी कामना है। गौरव के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। सत्यमेव जयते। Thank you very much, Honorable Sir, for extending a warm welcome to the dignitaries present today and enlightening us on the progress of gathering. Progress is neither automatic nor inevitable.
Every step towards the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle, the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals. One who is best suited for this thought is none other than learned Advocate General Shri Kamal Trivedi. I request Mr. Trivedi to address the August gathering. Shri Kamal Trivedi. Honorable Prime Minister of India, respected Shri Narendra Modi. Honorable Minister for Law and Justice, Communications and Electronics and Information Technology, respected Shri Ravi Shankar Prasad. Honorable Chief Minister, respected Shri Vijayabhai. Honorable Mr. Justice M.R. Shah, Judge Supreme Court of India. Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Chief Justice of the High Court of Gujarat. Learned Solicitor General of India, respected Shri Tushabhai Mehta. And the distinguished gathering of the Honorable Judges of the High Court of Gujarat, Honorable Ministers of the State of Gujarat, and the members of the legal fraternity of the state. A very warm good morning to all of you. Today's event marks the Diamond Jubilee anniversary of our High Court, which was established on 1st May 1960. It is indeed my privilege to be present on this occasion for the release of Commemorative Postage Stamp of the High Court of Gujarat at the hands of our very beloved and respected Shri Narendra Bhai, whose passionate and dynamic leadership has made the whole world to take note of the emergence of New India. Even during this pandemic, his confidence and conviction have inspired and galvanized the entire nation. We are fortunate to solemnize the 60th year of the establishment of the High Court of Gujarat virtually. It is really admirable how the institution has prevailed over the hurdles presented by this pandemic. Despite there being various odds, under the able leadership and intellectual dexterity of our Honorable Chief Justice, the High Court has conducted court cases regularly and effectively through video conferencing, with live streaming of the proceedings of the Chief Justice's court, which is one of its own kind in the whole country. I must say that the lawyers of this High Court are fortunate for the availability of excellent working conditions and exceptional infrastructure with the continued support of the Honorable Chief Minister. Since inception, our High Court has played a pivotal role in the development of our society and has produced a glittering galaxy of eminent judges and lawyers. In my view, this is the time to remember the stalwarts with reverence and time to look to the future. This is also the time to respect the roots and time to welcome the leaves. Let me conclude by reciting a verse from Brihadaranyakopanishad, which says something like this: Om Asato Ma Sadgamaya, Tamso Ma Jyotirgamaya, Mrityu Ma Amrutam Gamaya. Meaning thereby, O God, lead me from untruth to truth, from darkness to light, and from death to eternity. Thank you all. Jai Hind and Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, sir, for an astounding and enriching speech. As quoted by Mahatma Gandhi, true function of a lawyer is to unite parties driven asunder. The lesson was so indelibly burned into me that a large part of my time during the 20 years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases. And I lost nothing thereby, not even money, certainly not my soul. The Solicitor General of India has walked on the path of shown by Mahatma Gandhi since last more than 30 years. I request Shri Tushar Mehta, Learned Solicitor General of India, to address the August gathering. Shri Tushar. Honorable Prime Minister of India, our own respected Shri Modi ji, Honorable Mr. Justice M.R. Shah, Judge, Supreme Court of India, Shri Ravi Shankar Prasad ji, Honorable Minister for Law and Justice, Information and Technology, Honorable Justice Vikram Nath, the Honorable Chief Justice, High Court of Gujarat, Shri Vijayabhai Rupani, Honorable Chief Minister, State of Gujarat, Shri Kamalbhai Trivedi, my colleague and the learned Advocate General, State of Gujarat, my colleague lawyers, judicial officers, the Honorable Judges of the High Court,
Ladies and gentlemen, it is indeed a momentous occasion for which we have all gathered today, virtually. Today we commemorate the historical journey of 60 years of this great institution, of which most of us have been a part. This institution has given brilliant judges, scholarly jurists, extraordinarily brilliant authors, and exceptionally well-equipped counsels to the nation. Today is also a very memorable and historical day, since our Honorable Prime Minister, under whose vibrant leadership our great nation has already commenced its journey to become the Vishwa Guru, has kindly consented to be amongst us. Friends, the institution of judiciary has progressed leaps and bounds since its inception, since last 61 years. The leadership of judicial decision making is always provided by our great judges who have come since 1960 and who adorn the benches till date. The executive also has a very pivotal role in the journey of success of any judicial institution, and that role is in terms of infrastructural and financial manpower. The initial not very fast growth in the role of executive is very visibly seen to have been accelerated in last 20 years. Friends, in the year 2000, we had only 161 court buildings housing the district judges and other subordinate courts. Between the year 2002 and 2004 only, the number of court buildings have increased to 294, and the journey continues with the same speed till date. In the history of this great institution, namely the High Court of Gujarat, the sanction strength of the subordinate courts, the number of judicial officers in the year 2000 was 804 judicial officers. Between only 2002 and 2014, that is only in a short span of 14 years, the said number has increased to 1,838. The Department of Legal Affairs came at the forefront with the executive infrastructure and priority. The budgetary allocations for the year 2003 and 2004, which till that date was less than 140 crores, is increased by 1,200 times, which now stands at rupees 1,681 crores. We hope, trust, and pray that this great institution would achieve more milestones, and we shall request our beloved Prime Minister to commemorate another stamp at his hands on the occasion when this great institution completes its 75 years. I am indeed grateful for giving me this opportunity to be amongst all of you. This is my mother institution, and I thank everyone and wish all of you a very good morning and a good year ahead. Thank you very much. Thank you very much, sir, for those informative words. Mandir masjid bhatakte, kise mila bhagwan? Seva karuna pyar se swayam bane bhagwan. Agar kisi ne yaha dohe ko apne jeevan se saarthak kiya hai, तो वह स्वयं है माननीय न्यायमूर्ति श्री एम आर शाह साहब, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आई हियर बाय मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम आर शाह सर टू एनलाइटन द ऑगस्ट गैदरिंग विद वर्ड्स ऑफ विजडम. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम आर शाह सर, नमस्कार. रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र भाई मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री रविशंकर जी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री विजय कुमार विजय रूपानी, चीफ मिनिस्टर गुजरात, जस्टिस विक्रमनाथ, चीफ जस्टिस गुजरात हाईकोर्ट, माय डियर फ्रेंड तुषार मेहता,
Solicitor General of India, Sri Kamal Trivedi, learned Advocate General, Sister and Brother Judges of the High Court of Gujarat, former and present, former Honorable Supreme Court Judges, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I am very glad and feel and proud and privileged to participate in this pleasant and important function of release of Commemorative Stamp of Gujarat High Court on completion of its 60 years while celebrating its Diamond Jubilee, and that too by our most popular and loved, vibrant and visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. I consider it a very special privilege to be part of this function. Sir, first of all, I on my behalf and on behalf of the Gujarat High Court and the judicial fraternity in the Gujarat, thankful to you for releasing the stamp of the Gujarat High Court, which will be remembered for the number of years to come. Gujarat High Court is my karmabhumi, where I practiced for approximately 22 years as a lawyer and served as a judge for 14 years. I feel proud to be hailing from Gujarat High Court and Gujarat. I cannot forget Gujarat and Gujarat High Court for its and its contribution in administration of justice. Gujarat High Court, with an initial strength of 5 judges, has traveled a long way to its Diamond Jubilee. The present strength is 52 judges. Gujarat High Court has a glorious existence of 60 years. The judicial journey that commenced from 1st May 1960 has continued till date. The Gujarat High Court has given great judges, eminent lawyers and doyens of the legal profession. One of the essential features of the democratic public republic established under the Indian Constitution is division of powers between the three important wings of the state, the parliament and the state legislatures, the executive and the judiciary. These three wings are expected to operate in their respective earmarked fields so that the democratic governments, both at the center and the states, may function for the welfare of the citizens. I may say with pride that Gujarat High Court has always acted in furtherance of the justice and has never crossed the Lakshman Rekha. Gujarat High Court has proved to be a steady and consistent upholder of the intentions of the Constitution and the people of this state, and is tireless in upholding fundamental rights, which are the hallmark of a civilized society, and in interpreting and enforcing those provisions of the Constitution of India which preserve a democratic society. Sir, I may tell that Gujarat High Court has always stood for the independence of judiciary and for protection of the human rights whenever required and an occasion had arisen. For example, even in the dark days of emergency, judges of this court stood for the protection of the human rights and the independence of the judiciary. I feel proud to be from this court. Sir, the Gujarat High Court has been rendering judgments which are in the due and temper with the legislative intent, while keeping pace with time and jealously protecting and developing the dimensions of the fundamental human rights of the citizens so as to make them meaningful and realistic. Gujarat High Court has always shown the path. Maybe the public interest litigation or legal services to the needy for the access of justice. A letter was treated as a petition. First local order was in the state of Gujarat. Even the Gujarat High Court is the first to live telecast the court proceedings. It is this Gujarat High Court which is completing its 60 years. Congratulations. Sir, judiciary today stands as a beacon of truth, faith and hope. Gujarat High Court, I may say with humility, but with a sense of pride, has demonstrated that it is a pathfinder seeking discovery, ways and means to translate into workday realism, the constitutional philosophy, and transforming the society into a just, free and equal society. Sir, the history of the Gujarat High Court during the past 60 years, if I start narrating, it will consume the whole day. As we have to hear and listen to our most loved Honorable Prime Minister, I raise the matter there and wish good luck to all in the years to come, and see to it that the faith of the people in the judiciary and the justice delivery system is not shaken. I am thankful for giving me this opportunity to be on this platform
and to give and to be part of this very important function. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. We feel privileged and thankful to have His Lordship enlightening us by His illuminating words on this event. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा? गुजरात की ना केवल प्रजा के लिए, बल्कि हर एक छोटे बड़े इंसान के लिए, जिसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और राज्य के विकास की नई परिभाषाएं सिद्ध की है, वहां उम्दा व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी को अनुरोध करती हूं कि वह अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री विजय भाई रूपानी। आज ना कार्यक्रम में उपस्थित देशना लोकप्रिय यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय कायदा मंत्री श्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, सुप्रीम कोर्ट ना माननीय जज माननीय श्री एम आर शाह जी, हाईकोर्ट ना माननीय चीफ जस्टिस माननीय श्री विक्रमनाथ जी, भारत सरकार ना सॉलिसिटर जनरल माननीय श्री तुषार भाई, गुजरात ना एडवोकेट जनरल माननीय श्री कमल भाई, उपस्थित सौ भाइयों ने बहनों, पहली मे 1960 थी अस्तित्व में आवेल गुजरात नी बड़ी अदालत हमना ज 2020 मां 60 वर्ष एटले के हीरक जयंती पूर्ण करी छे। छ दायकानी आ सफर यात्रा वर्तमान समय मा अद्यतन टेक्नोलॉजी અને વિશાળ ભવનની સુવિધા સાથે સદાકાળ ચિરંજીવ રાખવા આજે ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટની સ્મૃતિમાં ટપાલ ટિકિટ ફર્સ્ટ ડે કવર ઇન્ફોર્મેશન બ્રોશરનું પણ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના કરકમલોથી અનાવરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને એટલા માટે સમગ્ર ગુજરાતની જનતા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન હું પાઠવું છું। 1960 માં બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાંથી ગુજરાત અલગ થયું ત્યારે એક માન્યતા હતી કે આ ગુજરાત શું કરશે, કારણ કે ગુજરાતનું અસ્તિત્વ જ્યારે થયું ત્યારે એક બંજર જમીન, ખારોપાટ, દરિયા રણ એથી વિશેષ કશું હતું નહીં, પરંતુ ગુજરાતીઓ પોતાના સ્વબળે અને પોતાએ ધંધાકીય અને વ્યવસાયના એક પોતાની આગવી સૂઝથી આજે ગુજરાત એ વિકાસનું રોલ મોડલ બન્યું છે। ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ગુજરાત એક સફળ નેતૃત્વને કારણે આજે ગુજરાત એ વિકાસનું રોલ મોડલ બન્યું છે। વિકાસનો પણ આધાર કાયદો, વ્યવસ્થા અને ન્યાયતંત્રની મજબૂતી ઉપર રહેલો છે અને ગુજરાતમાં ન્યાયપાલિકાએ કાયદાની પાલન અને રાજ્ય સરકારની પ્રતિબદ્ધતામાં સતત ન્યાયતંત્ર સાથે સરકારની પ્રતિબદ્ધતા પડખે રહીને ન્યાયતંત્રની ગરિમાને હંમેશા ઉજળી રાખી છે। આપણો દેશ લોકશાહીને વરેલો દેશ છે અને લોકશાહીના ચાર આધાર સ્તંભોમાં ન્યાયતંત્ર પણ એક આધાર સ્તંભ છે અને લોકોનો વિશ્વાસ ન્યાયતંત્ર ઉપર વધુ ને વધુ જળવાશે ત્યારે જ લોકશાહી સફળ થવાની છે। રાજ્યમાં શાંતિ, સલામતી અને સુલે જાળવવા એ આપણા સૌની જવાબદારી બને છે અને ત્યારે આ ન્યાયપાલિકાઓ પણ સરકાર સાથે કદમ મિલાવીને ગુજરાતમાં સુંદર રીતે કામ કરી રહી છે। કોરોનાની આ વૈશ્વિક મહામારીમાં પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી સંક્રમણ નિયંત્રણની કામગીરીમાં પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સરકારની સરાહના કરી છે અને સરકારને હંમેશા માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડ્યું છે। હાઈકોર્ટે આ કપરા કાળમાં પણ લોકોને ન્યાયમાં વિલંબ ન પડે એટલા માટે સમયસર ન્યાય મળે અને અગત્યના કેસોની સુનાવણી
ઓનલાઈન વિડીયો કોન્ફરન્સ થી કરી જસ્ટિસ ટુ ઓલ અને ટાઈમલી જસ્ટિસ ના ધ્યેયને પણ પૂરો પાડ્યો છે, એ માટે પણ હાઈકોર્ટને અભિનંદન આપું છું. ગુજરાત હાઈકોર્ટે કોરોના કાળમાં ફૂલ કોર્ટ રેફરન્સનું વિડીયો કોન્ફરન્સ થી હાથ ધરીને યુટ્યુબ ઉપર જીવંત પ્રસારણ કરાવ્યું છે, એ પણ એક નવી બાબત, એટલા માટે પણ અભિનંદન આપું છું. 1 માર્ચથી રાજ્યની મહાનગરની બધી કોર્ટો ફિઝિકલ કાર્યવાહી પુનઃ શરૂ કરવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે, તે માટે ચીફ જસ્ટિસને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાત સરકારે પણ ન્યાયાલયો, ન્યાય મંદિરના અદ્યતન ટેકનોલોજી સુવિધાઓ, એટલે ગયા વર્ષના બજેટમાં 1680 કરોડ રૂપિયાની માગબર રકમ ફાળવી અને ન્યાયતંત્રની સાથે સરકાર ઊભી રહી છે. નિર્દોષને દંડ ન થાય, દોષિત બચી ન જાય, સંપૂર્ણ પારદર્શી ન્યાય પ્રણાલિકા અને શાસન પ્રણાલીનો સમન્વય ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. ફરી વખત ગુજરાત હાઈકોર્ટના હીરક જયંતી ઉજવણીના સન્માનમાં ટપાલ ટિકિટ રિલીઝ કરવા માટે આપ સૌને અભિનંદન આપું છું અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આ કાર્યક્રમ માટે સમય ફાળવો તે માટે પણ ગુજરાતની જનતા વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. સત્યમેવ જયતે, હંમેશા સત્યનો વિજય થાય અને ન્યાય વ્યવસ્થાને આપણે વૈશ્વિક સ્તરની બનાવવા પ્રતિબદ્ધ બનીએ તેવી શુભકામનાઓ. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. આપણા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we have done something wonderful, that's what matters to me. Thus spoke Steve Jobs. It is natural that we compare and compete with others at workplace instead of comparing and competing with ourselves. Our next speaker, Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice, has demonstrated and implemented the idea of comparing and competing with our own previous performances. I hereby request Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice, to address the gathering. Shri Ravi Shankar Prasad. પરમાદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી, ગુજરાત કે સન્માનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી, સુપ્રીમ કોર્ટ કે સન્માનીય ન્યાયમૂર્તિ જસ્ટિસ એમ આર શાહ, ગુજરાત કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ ચીફ જસ્ટિસ વિક્રમ રાવજી, સોલિસિટર જનરલ મિત્ર તુષાર મહેતાજી, એડવોકેટ જનરલ શ્રી કમલ ત્રિવેદી, સભી સન્માનીય ન્યાયમૂર્તિગણ, हमारे अधिवक्ता मित्रों, आप सबों का अभिनंदन. आप सबों का अभिनंदन मैं अपने दो दायित्व के रूप में करता हूं. एक, देश के कानून मंत्री के रूप में गुजरात हाईकोर्ट की हीरक जयंती पर आप सबों को शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन. और दूसरे, हमारे दायित्व पोस्टल विभाग ने आज के दिन जो डाक टिकट आपके लिए आज लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा, उसके लिए डाक विभाग की ओर से भी आप सबों का अभिनंदन. हमारा डाक विभाग न्यायालय पर भी स्टैंप निकालते हैं. उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की शताब्दी, हीरक जयंती इत्यादि समयों पर बहुत ही प्रभावी डाक टिकट निकाला है, जो हमारे फिलैटली के रिकॉर्ड का एक बहुत ही बड़ा मील स्तंभ है. मित्रों, गुजरात पावन धरा है, संस्कारों की धरा है, जहां सोमनाथ में प्रभु महादेव का आशीर्वाद है, द्वारिका में प्रभु कृष्ण का स्नेह और ऊर्जा है, और स्वयं मां अंबा देवी पहाड़ों में बैठकर हमें आशीर्वाद दे रही है, तो गुजरात धरा हमेशा हम सबों के लिए प्रेरणादायी रही है. और आज वहाँ के हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पूरी दुनिया में भारत को एक नई गरिमा, प्रतिष्ठा और संकल्प के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, तो हम सबों के लिए बहुत ही यश कीर्ति का समय है. गुजरात हाईकोर्ट की जो पूरी यात्रा है, उससे मैं वहाँ के अपने अधिवक्ता मित्रों की यात्रा से कभी अलग करके नहीं देखता. भले ही गुजरात
पहले मुंबई हाईकोर्ट का पार्ट रहा हो, लेकिन महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, कन्हैयालाल मालिकलाल मुंशी हो, दे वर टावरिंग लॉयर्स एंड दे बिकेम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी ऊर्जा, जिनकी प्रेरणा आज तक हमें देश के लिए एक नया संकल्प देने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो मैं गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के बाद उन प्रेरणाओं के मानकों को एक नए रूप में स्थापित किया है, चाहे उनके निर्णय हो, चाहे उनके बार और बेंच की क्षमता हो। मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी वकील के रूप में कई बार गुजरात हाईकोर्ट में पेश हो चुका हूँ, मैंने वहाँ के न्यायमूर्तियों की क्षमता देखी है, अपने सरकारी दायित्व में वहाँ के वकीलों से मिला हूँ, वहाँ के वकील भी बहुत स्नेहिल हैं और एक प्रकार से सद्भाव का माहौल न्याय की गरिमा को बनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने किया है। मैं माननीय एम आर शाह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, हम लोग उस समय इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते थे स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में, तो उस समय गुजरात हाईकोर्ट ने जो हिम्मत दिखाई थी देश के नागरिकों के अधिकारों के संवर्धन के लिए, वो आज के दिन आई नीड टू रिकॉल विद द प्रोफाउंडनेस ऑफ रिस्पेक्ट। कोरोना काल के इस चैलेंजिंग समय में दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने अपने जीवन को देश के नाम समर्पित करके वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सत्य में चरितार्थ किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री के व्यक्तित्व की परिभाषा देती हुई गुजराती में कुछ खास पंक्तियां समर्पित करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। मन जीत्यु तैने अही जग जीत्यु तू जान, मन ने जे जीते अही विश्व विजेता मान। I most humbly request Honorable Prime Minister to address the August gathering. नमस्कार। देश के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह जी, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान विक्रमनाथ जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, गुजरात हाई कोर्ट के सभी सम्मानित जजेज, भारत के सॉलिसिटर जनरल भाई तुषार मेहता जी, एडवोकेट जनरल गुजरात श्री कमल त्रिवेदी जी, बार के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवी और सज्जनों, गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबिली के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अने गुजरात ना सब वाला नागरिक भाइयों बहनों ने पर खूब खूब बधाई। पिछले 60 वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बार दोनों ने ही एक विशिष्ट पहचान बनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है। गुजरात हाईकोर्ट की इस अविस्मरणीय यात्रा की स्मृति में आज एक डाक टिकट जारी किया गया है। मैं इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े आप सभी महानुभावों को, गुजरात की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय, हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी
पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राण वायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना रूल ऑफ लॉ के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे संविधान की इस भावना को, इन मूल्यों को हमारी न्यायपालिका ने निरंतर ऊर्जा दी है, दिशा दी है। न्यायपालिका के प्रति इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवीय के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है, सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं, तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी आवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए ये जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम खड़ा करे। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। आज न्यायपालिका की तरह ही सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय
हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरह लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह एसएमएस कॉल आउट, मुकदमों की ई फाइलिंग और ईमेल माई केस स्टेटस की सेवा शुरू की गई, कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड की यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई, हर दिन जजमेंट्स और ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किए गए, इन सब ने यह सिद्ध किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना एडेप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज्यादा है। मुझे बताया गया है कि गुजरात हाईकोर्ट तो इस दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोर्ट बना है और ओपन कोर्ट की जिस अवधारणा पर लंबे समय से चर्चा होती रही है उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए ये संतोष का विषय है कि कानून मंत्रालय ने ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था उसने इतने कम समय में हमारे कोर्ट्स को वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करने में मदद की। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और क्यूआर कोड दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है बल्कि इसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी एक प्रकार से मजबूत नींव रखी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए लॉयर्स और लिटिगेंट्स केवल क्लिक मात्र से सभी केसेस और ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 2018 की अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की प्रशंसा की है। माननीय, आने वाले दिनों में भारत में ईज ऑफ जस्टिस और भी तेजी से बढ़े, इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को
शामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे जस्टिस सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी, एआई की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडिशरी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभियान बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है। संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। यही गति, यही सुविधा और यही विश्वास आज हमारी न्यायिक व्यवस्था की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी, अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की थी और गरीबों की भलाई के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए थे। किसी भी समाज में नियमों और नीतियों की सार्थकता न्याय से ही होती है। न्याय से ही नागरिकों में निश्चिंतता आती है और एक निश्चिंत समाज ही प्रगति के बारे में सोचता है, संकल्प लेता है और पुरुषार्थ करके प्रगति की ओर बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि हमारी न्यायपालिका, न्यायपालिका से जुड़े आप सभी वरिष्ठ सदस्य हमारे संविधान की न्याय शक्ति को निरंतर सशक्त करते रहेंगे। न्याय की इसी शक्ति से हमारा देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सब अपने प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ से, हमारी सामूहिक शक्ति से, हमारी संकल्प शक्ति से, हमारी अविरत साधना से हम सिद्ध करके रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर डायमंड जुबिली की बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आनंद थयो आज घना बधा ने मळवानुं थयुं। अनेक जूना जूना मित्रों ना चेहरा स्क्रीन पर जोई रह्यो छो, लांबा समय पछी जोई रह्यो छो। अनेक वडीलोना पण आजे दर्शन थई रह्या छे। खूब आनंद थयो बधाने दूर दूर थी पण मळीने। खूब खूब धन्यवाद। We have this immense feeling of deep gratitude and being privileged to have witnessed this treasured moment in the history of High Court of Gujarat. Thank you very much, sir. On behalf of the organizing team here, I would like to express my deepest sense of gratitude.